नमस्कार, आपके सामने पेड़ों के महत्व बताने जा रहा हूँ। पेड़ हमारे लिए बहुत ही महत्व देते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल फूल मिलते हैं, उनमें से औषधि वनस्पति होते हैं, और हमारा अनार और सब्जी भी मिलते हैं। पेड़ों से हमें छाया मिलती है और हमें पेड़ों से हमें गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम अनन्या है। आज मैं बताने जा रही हूँ कि पेड़ से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। पेड़ से हमें फल मिलते हैं और सब्जियाँ मिलती हैं और छाया मिलती है। और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके पत्तों से कुछ दवाइयाँ भी बनती हैं, और पेड़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम विवाद कुमार है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ और मैं केंद्रीय विद्यालय का छात्र हूँ, और मैं आज आपको महात्मा गांधी जी पर कुछ लाइन सुनाने जा रहा हूँ। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद और उनकी माता का नाम पुतली बाई था। गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। गांधी जी सत्य और अहिंसा के महान पुजारी थे। उनका जन्मदिन हर वर्ष गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी का सादा जीवन, उच्च विचारों को अपनाया। गांधी जी ने पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया। गांधी जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। थैंक यू मैम। मैम, मेरा नाम है माई कुमारी। मैं कक्षा 3 के छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम है KV3 पटियाला कैंट। आज मैं आपको जल के बारे में 10 लाइन में बोलने जा रही हूँ। जल हमारा जीवन है, जल है तो कल है। जल के बिना सुनहरे जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। जल पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण संसाधन है। धरती का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है।
इसमें से 57% पानी खारा है जो पीने योग्य नहीं है। केवल 3% है पानी है जो हम पी सकते हैं। जल के बिना हमारा जीवन असंभव है, इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। थैंक यू मैम। पेड़ हमें लकड़ियाँ फर्नीचर देते हैं जो हम घर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। पेड़ धरती पर वातावरण बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। पेड़ जब भी वर्षा होती है पेड़ उसमें बहुत बहुत हमारी मदद करते हैं। अगर पेड़ रहेगा तो हमारी धरती पर हरियाली और खुशहाली रहेगी और पेड़ हमें पेड़ चिड़ियों को घर बनाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। पेड़ हमारी बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। थैंक यू मैम। थर्ड क्लास का बनाया था। मॉर्निंग मैम, मैं रंजन थर्ड क्लास बी केवरी पटियाला। आज मैं बताने वाला हूँ गांधी जी का जीवन। हमारे देश का राष्ट्रपति पिता महात्मा गांधी जी है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। हम गांधी जी को बापू प्यार से बापू भी बुलाते थे। गांधी जी के पिता। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम यशवंत कंसल है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम है केंद्रीय विद्यालय नंबर 3। आज का मेरा विषय है पेड़ों का महत्व। पेड़ हमारी जिंदगी है। पेड़ हमें फल फूल सब्जियाँ देते हैं। पेड़ हमें ठंडी छाया देते हैं। पेड़ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ से कई दवाइयाँ भी बनती हैं। पेड़ बारिश लाने में हमारी सहायता करते हैं। पेड़ वायु प्रदूषण को कम करने में हमारी सहायता करते हैं। पेड़ पे पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। पेड़ हमारे सच्चे साथी हैं जो हमारे जीने के लिए आवश्यक हैं। थैंक यू मैम, धन्यवाद। गुड इवनिंग मैम, आई एम गुरमिला। आज मैं महात्मा गांधी के ऊपर लाइनें सुनाऊंगा। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। भारत की स्वतंत्रता में गांधी जी का काफी अहम योगदान था। लोग गांधी जी को प्यार से बापू कहते हैं। गांधी जी ने 1930 गांधी यात्रा करके नमक सत्याग्रह किया था। बापू ने लंदन से विलालत की पढ़ाई की और बैरिस्टर ने अंग्रेजों भारत छोड़ो बापू का नारा था, लेकिन बापू हिंसा के खिलाफ थे। आजादी में बापू के योगदान के कारण उन्हें राष्ट्रपिता का पटियाला में आज आपको पेड़ों का महत्व सुनाने जा रहा हूँ। पेड़ हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। पेड़ हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। पेड़ से हम
हमें रबर, कागज, दवाइयाँ, लकड़ी आदि प्राप्त होते हैं। पेड़ हमारे धरती को शुद्ध करते हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। चिड़िया अपना घोंसला पेड़ में बनाती है। हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए। हमें पेड़ के बारे में लोगों को बताना चाहिए। हमें अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून मैम, माय नेम इज केशव, आई रीड इन थर्ड क्लास ए। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से भारत का स्वतंत्रता दिवस है। यह भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। इसे बड़ी धूमधाम से भारत ने मनाया जाता है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों से आजाद हुआ था। इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं और इसी दिन सभी स्कूलों में भी झंडा फहराया जाता है और झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान गाया जाता है और सभी लोग एक दूसरे को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। भारतीय इतिहास में यह दिन अमर रहेगा। जय हिंद। थैंक यू मैम। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। यह 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा लहराते हैं। इसीलिए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम अंशु है। मैं कक्षा तीसरी की छात्र हूँ। मैं आज आपको पेड़ों के महत्व बताने जा रही हूँ। पेड़ का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। पेड़ पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। पेड़ हमें फल और सब्जियाँ देते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ हमें छाव देते हैं। पेड़ हमें लकड़ियाँ प्राप्त करते हैं। पेड़ हमें कागज देते हैं। पेड़ जड़ी बूटियाँ भी मनाते हैं, जैसे कि नीम, तुलसी। पेड़ पंछियों का घर होता है। हमें पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। थैंक यू मैम। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम, आई एम सुप्रा, रीडिंग थर्ड क्लास इन केवीएस 3। आज मैं सुनाने जा रही हूँ पेड़ों के महत्व। पेड़ मानव जीवन के लिए कुदरत का अनमोल उपहार है। पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ हमें फल और सब्जियां प्रदान करते हैं। कई पेड़ों से दवाइयां भी बनती। गुड इवनिंग मैम, माय नेम इज प्रभनोर, मैं क्लास 3B। माय स्कूल नेम इज केंद्रीय विद्यालय। मैं आज आपको महात्मा गांधी के बारे में बताऊंगी। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी जी के पिता का
Karan Baba, class 3B, school name is Candy Vidalia, number 3, Patea Kent. मैं आज आपको गांधी जी के बारे में कुछ लाइनें बताने जा रहा हूँ। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। उनका जन्म स्थान गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद और उनकी माता का नाम पुत्री बाई था। नमस्ते मैम, मेरा नाम दीपांशु, मैं कृषि कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आज आपको कोविड से बचने के लिए बता रहा हूँ। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार साबुन से हाथ धोने चाहिए। जब भी हम बाहर जाएं तो हमें मास्क पहन चाहिए। अगर भीड़भाड़ बड़ी बड़ी जगह से हमें दूर रहना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए। कोरोना का पता ऑक्सीजन से लगाया जा सकता है। कोरोना को कोविड-19 से भी जाना जाता है। ये कोरोना एक बहुत खतरनाक बीमारी है, इसलिए हमें अपने घरों में सेफ रहना चाहिए। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम हरजीत कौर है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है केवथी स्कूल पटियाला। आज का मेरा विषय है हमें कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मेरा पहला पॉइंट है हम घर से बाहर ना जाएं। मेरा दूसरा पॉइंट है जब हम जाना भी पड़ जाए हमें अपनी पॉकेट में सैनिटाइज रखना चाहिए, हमें मास्क लाना चाहिए। मेरा तीसरा पॉइंट ये है जब हम बाहर गए तो लोगों के इकट्ठे में ना जाएं, उनसे दूरी बनाकर रखें। मेरा चौथा पॉइंट ये है हम जब तक घर ना आए हमें मास्क को हैंड नहीं लगाना चाहिए। मेरा पंचवा पॉइंट ये है जब हम घर आएंगे हमें 20 सेकंड के लिए आर्म्स और हैंड्स को हैंड वॉश करना है, उसके बाद सैनिटाइज लाना है। मेरा छठा पॉइंट है हमें गर्म पानी में हल्दी डालकर अदरक डालकर उसे पीना चाहिए। मेरा सातवां पॉइंट ये है हमें अपने घर में कोई भी प्रोग्राम ना बड़ा प्रोग्राम ना रखना पड़े। मेरा आठवां पॉइंट ये है कि घर में कोई आ भी जाए तो उसे मना करिए। मेरा नौवां पॉइंट ये है वो कोई घर में आ भी गया तो उसे दूरी बनाकर बात करें। मेरा दसवां पॉइंट ये है कि जे हमें कोरोना वायरस हो भी जाए तो हमें वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाने चाहिए। हमारे भारत को खुशहाल बनाने के लिए हमें यह सब कुछ करना होता है। जय हिंद, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम, दिस इज दिवाज। मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ पानी हमारे जीवन का महत्व है। पानी हमारे जीवन का सबसे बड़ा महत्व है। पानी का कोई रंग नहीं है। पेड़ पौधों और जानवरों और घरों में पानी इस्तेमाल किया जाता है। घरों में पानी का इस्तेमाल कपड़े धोने में, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना पकाने के लिए किया जाता है। किसान काश्तकारी के लिए पानी का इस्तेमाल करता है। हम सब पानी के बारिश होने के इंतज़ार में रहते हैं क्योंकि बारिश का पानी हमारे जिंदगी के लिए महत्व है। पानी के बारे में एक कहावत है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिस में मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिस में मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी ओ पानी, पानी रे पानी ओ पानी।
पानी पानी रे पानी। धन्यवाद मैम। मेरा नाम दक्ष है, मैं केंद्र विद्यालय स्कूल कक्षा तीसरी में पढ़ता हूँ। मैं गुरु के बारे में कई लाइनें सुनाने जा रहा हूँ। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना महान नहीं। जब भटक जाते हैं इंसान, गुरु ही देता है ज्ञान। हमें अच्छा इंसान जो बनाता है वो गुरु है। हमें जो हीरे की तरह तराशता है वो गुरु है। हमें इंसानियत सिखाता, हमें इंसानियत सिखाता गुरु है। हमें गुरु ना, जिसके पास गुरु ना हो वो इंसान धनवान नहीं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना महान नहीं। कोरोना वायरस एक संक्रमित बीमारी है। कोरोना वायरस COVID-19 के नाम से जाना जाता है। इस वायरस का सबसे पहले संक्रमण हुआ था चीन के भूषण शहर दिसंबर 2019 में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इसे महामारी के नाम से घोषित किया था। इस वायरस का संक्रमण होने के बाद व्यक्ति बुखार, सांस लेने में तकलीफ, गले में खास होता है। मेरा नाम दिलजोत सिंह है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय पटियाला में पढ़ता हूँ। मेरा आज का विषय है स्वतंत्रता दिवस। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त को राष्ट्रीय त्यौहार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह सभी भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। इस आज़ादी के लिए भारत के कई वीर सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया था। आज मैं इस शुभ अवसर पर उन सभी वीर सपूतों को प्रणाम करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। मेरी तरफ से सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज लोइसर, माय क्लास डी K3 सेक्शन ए। आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, कोविड के दौरान तकनीकों के इस्तेमाल के विषय पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। संसार कोरोना महामारी से पीड़ित है और हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में लगता है जीवन रुक गया है। वही अपेक्षाएं हमारे नए रूप में हमारे सम्मुख आ रही हैं। एक बड़ा समूह हम बच्चों का है जो कि स्कूल नहीं जा पा रहा है। तकनीकों की सहायता से डिजिटल क्लासरूम लोकप्रिय हुआ है। लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, जो कि पॉजिटिविटी को दिखाती हैं। इसमें एक मुख्य तत्व है, वो है ईमानदारी। ईमानदारी से पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मैम, मैं नाम बशीर मोहम्मद, मैं तिरका में पढ़ता हूँ। जब से मैं मास्क लगाना सीखने का लगी, आज मैं आपको 15 अगस्त की लाइनें सुनाने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, झंडा प्यारा, तीनों रंगों का मेल है सारा। सदा रहे यह झंडा ऊंचा, आकाश को यह झंडा छूता। सदा करना इसका मान, कभी ना करना इसका अपमान। ये झंडा ही है देश का शान। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैम। वंदे मातरम, हम तिरंगा यहाँ आएंगे और
इस देश को दुनिया का सबसे प्यारा देश बनाएंगे। और सारे देशवासियों को राष्ट्र का नमस्कार। आज़ादी का अंत वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम भाग्यशाली हैं, हमारा जन्म आज़ाद भारत में हुआ। जी आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली, हमारे कई भी जवान शहीद हुए। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को। वो अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने आए थे और उन्होंने हमें ही गुलाम बना दिया। और आज भी हम विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करके कर रहे हैं, हमें इससे रोकना होगा। हम स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कर अपने देश को बचाएंगे, आर्थिक बल देंगे। आज इस अवसर पर मैं कसम खाता हूँ कि मैं स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करूँगा, अपने देश को आर्थिक बल दूंगा, लोकल को वोकल बनाऊंगा और देश को स्वस्थ बनाऊंगा। अंत में सारे जहां से अच्छा हिंदु सीता माया हम बुरे हैं इसके जे गुर सीता हमारा। थैंक यू मैम।